अस्सलाम वालेकुम सजनों ते बेलियो मित्रों ते सहेलियो, मैं फिर आ गया। आज हमारी वीडियो का अनुमान बड़ा मजे का है। थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। जी जी हाँ, आपके अम्मी की गालियाँ खाने वाले कानों ने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ पर। अगर आप अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी का हर बंदा दिखेगा। और अगर आप गुजर गए हो, मतलब यार यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर गए हो, अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर गए हो तो आपकी यादें ताजा होंगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है, यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो सब कहते हैं कि मजे तो कॉलेज लाइफ में है, और जब कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं तो सब कहते हैं कि एक दफा कॉलेज लाइफ से निकल जाओ, आगे सुकून ही सुकून है। और जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो सुकून साहब फिर भी नहीं मिलते। इससे नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान की बात तो फिर बिल्कुल ठीक है, जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। बचपन से ही ऑलमोस्ट सबको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्रेज होता है, हालांकि वो पढ़ना है तो साइड पे हो जाता है और उस पढ़ने की जगह एंटरटेनमेंट आ जाती है। जी पर कुछ के मम्मी पापा को यह बड़ा शौक होता है कि हम अपनी पुत्र या पुत्री को किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं ताकि वो दिल लगा के पढ़े, पर वो किसी और से ही दिल लगा के पढ़ना शुरू हो जाता है। सेकंड ईयर के बाद होने वाली छुट्टियां सबसे गंदी लगती हैं। सबका बस यही मिशन होता है कि कल से एडमिशन और हम इलम की शम्मा को रोशन करें, हालांकि वहां पे जाकर सब ने शम्मा या शम्मस को हासिल करना होता है। जैसे तैसे एडमिशन तो हो जाता है, फिर आता है यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे। पता नहीं किस वेले अंग्रेज ने ये लाइन कह दी थी, योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर लास्ट एक्सप्रेशन। इसी लाइन को याद रख के सब सुबह बाद नमाज फजर उठ के तैयार होना शुरू हो जाते हैं। सबको बस यही लगता है कि यूनिवर्सिटी जाएंगे, किसी लड़के या लड़की से टकराएंगे, उसके पेपर नीचे गिरेंगे, हम दोनों पेपर उठाने के लिए नीचे झुकेंगे, नजरें मिलेंगी और फिर काम यस हो जाएगा। हालांकि वो लड़की दूसरे लम्हे कह देती है, अन्ना हो गया वेख के तुर। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे सब एक दूसरे से इतने तमीजों तमद्दन से बात कर रहे होते हैं ना जैसे इनसे बड़ा तमीज वाला कोई है ही नहीं, और हफ्ते बाद ही एक दूसरे की ती भैन एक कर रहे होते हैं। अभी और सुन। और दूसरी तरफ गर्ल्स भी अपनी पिछली 12 सालों की क्लास की इकट्ठी की हुई इंग्लिश पहले ही दिन बोल बोल के खत्म कर लेती हैं। हाय हाउ आर यू से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी टोन में वापस आ जाती है और फिर खैप 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 हंसती होती है। और उसके बाद ये लड़के लड़कियां हफ्ते बाद ही सेल्फियां बना के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालती होती हैं और साथ एक हैशटैग लगाया होता है फ्रेंड्स फॉर एवर। ये गलती बस कभी ना करना क्योंकि आपको नहीं पता कैसे कैसे सपो से आपका वास्ता पड़ा है। जी टीचर जब पहले दिन क्लास में आता है ना और इंटरव्यू लेता है, सब अपने हाथ ही जितने बड़े कान करके सुन रहे होते हैं कि कौन कहां रहता है, काश कोई मेरे इलाके का ही निकला है। और इस क्लास में कुछ दिन बाद एक बंदा नमूदार होता है जिसे सब सीआर कहते हैं, ये फर्स्ट बेंचेस का तो मानो लीडर होता है। ये बेचारा सीआर इसलिए बन जाता है कि बच्चियों के नंबर शंबर मिलेंगे, मजे आएंगे, पर वो सारी बच्चियां शुरू सीआर भाई से करती हैं। सीआर का तो कट गया ना। जी इन फर्स्ट बेंचर में से एक बंदा साइलेंसर जैसा होता है, वो तो जैसे पता नहीं टीचर का असिस्टेंट होता है, हर एक रिपोर्ट देता है। सर पिछले हफ्ते आपने 9:45:33 पर एक असाइनमेंट दी थी जो आज मोरख 23 जून बरोज मंगल को चेक होनी थी। अजीब है यार। ऐसी साइलेंसर ना मोस्टली गर्ल्स वाली साइड से नमूदार होती है, बाकी पूरी क्लास से गालियां निकाल रही होती है। यार कितों आ गई जा तू जान छड़, इतनी टीसी करते हैं ना, मतलब टेक केयर यार टेक केयर। सर आपके पढ़ाने का स्टाइल इज सो नाइस, घर जाकर भी इस काम से बाज नहीं आते, मैसेज कर करके टीसी कर रहे होते हैं। सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे थे, आपने जो आज कलर पहना तो आपको बहुत सूट करता है। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। बैक बेंचेस की कहानी मैं लास्ट में सुनाऊंगा, सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ यूनिवर्सिटी में पाए जाने वाले 36 सिंगल लड़कों से जो आपको यूनिवर्सिटी के हर चौक में तैनात मिलेंगे। और ऐसे ये घर से निकाले होते हैं ना, सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं और शाम 8 बजे घर में जाते हैं बगैर कुछ हासिल किए, पूरे मोहल्ले से शर्टें मांग के पहन के यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं और वक्रे ही बॉबी देवर बने होते हैं। अगर इनसे पूछ लो ना व्हाई आर यू सो सिंगल तो वही जद्दी पुश्ती डायलॉग बोलेंगे, यार इन कामों में कुछ नहीं रखा, हालांकि इनकी बूथी में कुछ नहीं रखा होता कि कोई इनकी तरफ देख ही ले। फोटोस्टेट शॉप पर इन्हें कोई काम नहीं होता, सिर्फ भूंडी करने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। इनके बैग में एक किताब भी नहीं होती, पर फोटोस्टेट शॉप पर ऐसे खड़े होते हैं जैसे इनसे बड़ा पढ़ाकू ही कोई नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और फिर आते हैं मिंगल हजरात, इन्होंने सारा दिन सहियों की बहियों में बाहें डालकर पूरी यूनिवर्सिटी में आवारा फिरना होता है और सिंगल हजरात के दिलों पे छुरियां चलानी होती हैं।
और कभी अपनी मशहूर माजदा के लिए चॉकलेट लाते होते हैं, कभी पिज्जे और कभी बिरयानियां खिला खिला के उसे सर पे चढ़ाया होता है। हालांकि उस लड़की को घर में नूडल्स का पैकेट लाने के लिए रो रो के पैसे मिलते हैं, पर अगर इनका कोई दोस्त कह देना कि यार समोसा ही खिला दे तो पकौड़े जैसा मुंह बना लेते हैं। यार पैसे ही नहीं है, असी तो माड़े बंदे हैं, मकान धुप्पे सड़दा, आटा मुल्ले खाईदा। बंदा पूछे असी चुमिया लेके लेने। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स। आपको यूनिवर्सिटी में तीन किस्म के टीचर्स मिलेंगे, एक तो होंगे प्रोफेसर्स, फिर आते हैं गप्पे मारने वाले टीचर्स और बहुत ज्यादा पढ़ाने वाले टीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर्स की। जैसे किसी जिम्मेदार की जितनी ज्यादा जमीनें हो उतनी ज्यादा अकड़ के चलता है, ऐसे ही सीन यहाँ पे है। जिस टीचर के जितने ज्यादा ग्रेड होंगे वो उतनी ज्यादा अकड़ के चलेगा, मतलब इनमें एक अलग ही अकड़ होती है, आप इनको ना नहीं कर सकते। इन्होंने कह दिया ना कि ये चीज ऐसे है, अगर वो चीज ऐसे ना भी हो तो आपको कहना पड़ेगा हाँ जी हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, आपने बजा फरमाया जी। जितना मर्जी भूसा फटा पुराना जोक भी मारा हो ना, आपको हंसना पड़ना है, मतलब आर्गुमेंट करने का सोचना भी मत। अगर आपने आर्गुमेंट कहीं कर लिया तो तू तो गया बिड़ू। किसी भी आर्गुमेंट के बाद प्रोफेसर का एक ही फटा पुराना कॉल होता है, आई एम द टॉपर ऑफ पंजाब। फिर शुरू हो जाएंगे अपनी कच्ची क्लास से लेकर अब तक की सारी डिग्रियों के आपको कहानियां सुनाएंगे। तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक ही काम होगा, अपनी बूथी नीचे करके उस वक्त को कोसना है कि जिस वक्त तुमने आर्गुमेंट किया था। यूनिवर्सिटी की आधी जिंदगी तो इन प्रोफेसर की असाइनमेंट बनाते निकल जाती है। फिर आते हैं गप्पे लगाने वाले टीचर्स। इन्होंने पढ़ाना कुछ नहीं होता, बस आके बैठ जाना और फिर शुरू। चलो भाई, अगर तुम्हें अच्छी CGPA चाहिए ना तो इनकी फिक्की बातों पे ज्यादा ज्यादा हंसना होगा जी। एक सीन ये देखने वाला होता है कि जब कोई लड़का क्लास में लेट आ जाए, उसके लिए तो ये सर ना अपनी बाजू ऊपर कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, ये कोई वक्त है क्लास में आने का? लड़का कहेगा सर वो ट्रैफिक। उसकी बात काट के साथ ही शुरू हो जाएंगे, ये कौन से सारे उड़के आए हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रैफिक है, गेट आउट ऑफ माई क्लास। लड़के को गया, वो भी जाकर सुकून से पुंडी करना शुरू हो जाता है। और अगर कोई लड़की लेट आ जाए, जी तो आ गई आप, मैं पहले ही देख रहा था आप यहाँ पे मौजूद नहीं थी, खैरियत इतनी लेट आई? लड़की बोलेगी सर वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए मैं ज्यादा लेट हो गई। तो वही टीचर साहब बोलेंगे हाँ हाँ ट्रैफिक तो आजकल बहुत ज्यादा है, आजो आजो बैठो अभी तक खड़ी क्यों हो। फिर आते हैं वो टीचर्स जो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं और ये बहुत ज्यादा बोलते होते हैं। मोस्टली ये टीचर्स मैथ के होते हैं, समझ कुछ आ नहीं रही होती है और पूछते रहती हैं, बेटा समझ आ गई जी, यहाँ से ऐसे जी, यहाँ से ऐसे जी, एंड दिस इज योर आंसर। Stop it. यूनिवर्सिटी लाइफ में जो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वो होते हैं बैक बेंचर्स। चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, इनका 5-6 बंदे का ग्रुप होता है और मोस्टली ये आशिकी मशूकी से पाक होता है। अपना इनका टांका कहीं फिट होता नहीं है और किसी का ये रहने नहीं देते। अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की सेट हो भी जाए तो तुम्हें उसके साथ जहेज में मिली सजा के तौर पर 2 लड़कियां और यसु पंजू मिलेंगी, मतलब ये लड़कियां हमेशा उसी के साथ होती हैं। इतना वो असल लड़की एक्साइटेड नहीं होती जितना ये दोनों शर्मा शर्मा के मरने वाली हुई होती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन लॉन्ग टर्म चले तो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को पता मत चलने देना, ठीक है? अगर इन्हें पता चल गया तो सबने भाभी भाभी तब तक कहना है जब तक वो भाग न जाए। फेयरवेल पे वो लड़की जो क्लास में टोपी बुरखा पहन के आती थी ऐसे तैयार होके आती है जैसे इससे बड़ी कोई स्टाइलो है ही नहीं। और अगर तुम यूनिवर्सिटी लाइफ में हो और अगर जाओगे तो ये 2 या 4 साल जिंदगी ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ खूब इंजॉय करना। तो वीडियो यहाँ पे करते हैं खत्म। यूनिवर्सिटी में और भी काफी सारे पंगे होते हैं पर उसके लिए आपको खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके लाजमी बताना, और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। और अगर चैनल पे नए हो तो पहले कहाँ दफन थे, चलो अगर आ ही गए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए फिर इतना ही, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत।